निश्चित रूप से आज भी आप लोगों के बीच में प्रतियोगिता संपन्न हुआ है और प्रतियोगिता के साथ ही तीन लोग यहां पर विजेता पाए गए हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय इसकी घोषणा भी की जाएगी और उनको ये प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन छात्र छात्राओं के लिए है कि आप लोग, मुझे इस बात की खुशी है, बहुत सारे छात्राओं ने बड़े ही दबंगता के साथ बोला है और बोलने वाले छात्राएं जो थी, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि वो एनसीसी से या एनएसएस से है। निश्चित रूप से ये दो प्लेटफॉर्म आपको सामने आने पर आपको बोलना सिखाती है, समाज के सामने खड़ा होना सिखाती है और अपने अधिकार के लड़ना सिखाती है। ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग सामने आए, अपनी बातों को बड़े ही बोल्डनेस के साथ रखा। ये गर्व की बात है कॉलेज के लिए कि चाहे छात्राएं हो या छात्र हो, मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो, पुलिस के कार्यों में सहयोग करें। कैसे सहयोग कर सकते हैं? आपके गांव में कोई घटना हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, हो सकता है देख रहे हैं कि मर्डर हो सकता है, आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं। ये आपका सहयोग होगा कि सभी प्रकार विवाद हो रहा है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, कृपया सहयोग करें। वो तुरंत आपको सहयोग करने में या उस कार्य को न होने घटित नहीं होने सहयोग करेंगे। इस प्रकार आप सहयोग कर सकते हैं। कोई अपराधी आपके यहाँ छुपा हुआ है उसको आप बता सकते हैं, अपने गांव कोटवार के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं कि पुलिस वर्दी पहन के समाज की सेवा करेंगे। पुलिस का काम बिना वर्दी पहने भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको निश्चित रूप से परिणाम जानने की उत्सुकता होगी। आगे मैं आज निर्णायक के दल के जो प्रमुख हैं उनमें डॉक्टर रचना गुप्ता मैडम है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज की परिणाम की घोषणा करेंगे, उसके बाद पुरस्कार वितरण होगा।